हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड अभी हम जा रहे हैं इंडिया ओपन के लिए जो कि दिल्ली में हो रहा है। सो अभी मैं रायपुर स्टेशन में बैठे हैं। हम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा होम टाउन है महासमुंद। सो वहाँ से हम यहाँ आए हैं एंड यहाँ से फिर आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है। तो थ्रू आउट द जर्नी मैं जो सारी चीज़ पॉसिबल होता है कैमरे में दिखाने का, मैं कोशिश करूँगा ये सारी दिखाने की। आशा करता हूँ आपका काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस व्लॉग को। सो गाइस, फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं एंड कल हम सुबह 7 बजे पहुंचेंगे दिल्ली एंड उसके बाद से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 4 घंटा लेट थी तो हम 11 बजे के आसपास पहुंचे। सो गाइस, फाइनली हम दिल्ली पहुंच गए हैं। अब मैं आपको एक बार रूम बुक करा देता हूँ। टेबल चेयर है, थोड़ा सा अभी नहा धो लिए, रेडी हो गए हैं, अब तुरंत निकलेंगे इंडिया ओपन के लिए। अभी बैठ है, ठीक है। सो चलते, ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा है। एंड यहाँ थोड़ा सा अभी एडिटिंग वगैरह कर रहे थे लेकिन अब चलते हैं इंडिया ओपन। पहला दिन है, पूरा करेंगे कोशिश रिकॉर्ड करने की, समझने की कोशिश करेंगे एंड उसके बाद फिर आते हैं पूरी स्क्रिप्टिंग करेंगे आज एंड देन फिर टुमारो जो मेन वीडियो अपन रिकॉर्ड करेंगे। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, चलते हैं इंडिया ओपन। तो गाइस, हमें कुछ अपने सब्सक्राइबर्स मिले हैं जिनको ली दीजिएगा का सिग्नेचर मिला, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो दी आर वेरी लकी गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर गाइस। थैंक यू। या चेक ना बिकी है क्या? नो, ही डिड इट अलाउड बिकॉज़ यू आर नेक्स्ट रिस्पांसिबल विक्टिम। ओह, ऐसे बोला के वो? नहीं, उनके गार्ड ने कह दिया। क्या दिया? जैसे कि आपने देखा, जो हमारे सब्सक्राइबर ने बताया रिगार्डिंग सिग्नेचर ऑफ ली ज़िजिया, तो ये चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैं अपने 2-3 जो फ्रेंड्स थे और जो हमारे सब्सक्राइबर थे उनसे भी पूछा, तो ये सही था कि वो दूसरे ब्रांड के क्लॉथ्स में या जो शॉर्ट्स हो गए उसमें बिल्कुल भी सिग्नेचर नहीं कर रहा था। एक मेरे फ्रेंड ने एक आईडी कार्ड में भी सिग्नेचर कराने की कोशिश की लेकिन उसमें उसके कार्ड में अदर ब्रांड की ब्रांडिंग हुई थी तो उसमें भी वो नहीं किया। ये मुझे देख के पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा और काफ़ी लोगों को भी नहीं लगा एंड लेकिन क्या करेंगे, उनके भी कुछ टर्म्स रहते हैं कंपनी के। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है इंडिया ओपन में। सो फाइनल डे के एक दिन पहले हम इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहे थे और उसी समय हमारा एक सब्सक्राइबर आया एंड उनसे हम बात करना चालू कर रहे थोड़ा बहुत, तो उसी समय हमारा कैमरामैन भी रिकॉर्ड कर रहा था कुछ चीज़ें, तो अचानक से उसके हाथ से कैमरा फिसल गया और नीचे गिर गया। तो भाई मेरा तो हार्ट बीट एकदम तेज हो गया और भाई एक पल के लिए तो मैं पूरा सुन्न हो गया था, क्योंकि भाई रिसेंटली अभी अभी कैमरा लिया था, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ऑलमोस्ट 70,000 का कैमरा है। सो भाई मैं तो एकदम ही डर गया था कि कैमरा को कुछ हुआ तो नहीं। ऑब्वियसली हम देखे उसके बाद कैमरा को, जो कैमरा का लेंस है वो काम करना बंद कर दिया था। बॉडी एकदम सही थी लेकिन जो लेंस है वो एकदम बेंड हो गया था, मैंने थोड़ा सा टिल्ट हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये अंदर घुस गया तो ये बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो उसके बाद फिर अब क्या है कि अगले दिन का रिकॉर्ड करना है और उस दिन का इवनिंग का भी पूरा रिकॉर्ड करने का बाकी था, तो फिर तुरंत फिर हम सोनी के स्टोर में गए एंड वहाँ उनको ये लेंसेज वगैरह दिखाए तो ऑब्वियसली वो बोले कि यहाँ रिपेयर नहीं होता, खाली नए लेंस मिलते हैं, तो रिपेयर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर वहाँ होता है। तो मैं बोला कि यार अब उतना टाइम तो है नहीं कि नया इसको रिपेयर कराए, और रिपेयर कराएंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं सोचा कि चलो अब आ गए तो नया लेंस लेना ले लेते हैं, आई मीन लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि एक दिन का रिकॉर्डिंग पूरा बाकी था। तो फिर मैंने फिर से सेम लेंस लिया, यही वाला। एंड ऐसी ही टाइप की चीज़ ना मेरे साथ एक बार और हुई थी लास्ट ईयर इंडिया ओपन में। तो मैंने नया नया रोड का माइक लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, तो इसमें 2 माइक और 1 रिसीवर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक नया नया था उस समय मेरे लिए पूरा इंडिया ओपन और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, तो माइक बार बार निकालना पहनना करना काफ़ी ज़्यादा हॉचपॉच हो रहा था। तो क्या है कि एक माइक को मैं लगाया, ठीक है, एक रिसीवर को हम कैमरे में लगाया और जो एक माइक बचा था तो इतना ज़्यादा हॉचपॉच होने के कारण मैं कहाँ रख दिया मेरे को भी याद नहीं है। नेक्स्ट दिन कोशिश करा ढूंढने की, ऑब्वियसली इतने बड़ा जगह है इंडिया ओपन जहाँ होता है, इतने सारे लोग आते हैं तो मिलना एकदम 1% का चांस है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया। उसके बाद फिर यार ये भी काफ़ी ज़्यादा मिले हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि ये भी काफ़ी कॉस्टली माइक है। सो 2 साल से दोनों बार काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है इंडिया ओपन। एनी हाउ लोगों को काफ़ी अच्छा लगा वीडियोज
इंडिया ओपन वाला, आशा करता हूँ आपने भी देख लिया होगा। सो हमको एक सब्सक्राइबर मिले थे और उसको एक ब्रोकन रैकेट मिला था एक बैडमिंटन प्लेयर का, उसको नाम तो याद नहीं था, तो वो रैकेट था नैनो फ्लेयर 800 प्रो। तो फाइनल डे में जो मैच हुआ चिराग एंड सात्विक का, वो काफी ज्यादा इंटेंस मैच था और काफी अच्छा मैच था। अनफॉर्चुनेटली वो मैच तो हार गए, लेकिन मैं पर्सनली काफी ज्यादा दुख था और काफी सारे लोग थे और भाई आग से आंसू भी गिर जाता ऐसे टाइप का लग रहा था, क्योंकि भाई पास से देख रहे थे, जो इमोशन था वो भी काफी अलग था। एंड जब ये भी मैच मेरे किस्मत में लिखा था देखने का, क्यों पता है, क्योंकि मेरी ट्रेन 5-6 बजे के आसपास थी और मैच स्टार्ट हुआ है 5:30 बजे के आसपास, लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो मेरी ट्रेन थी वो 3-4 घंटा लेट हो गई। इसके कारण क्या है कि पूरा मैच देख सका मैं बहुत अच्छे से, एंड थोड़ा सा टाइम मिल गया आखिरी में कॉन्टेंट बनाने के लिए भी। के बाद तुरंत मैं निकला ट्रेन के लिए, एंड ट्रेन की बात करो तो वो ट्रेन हमारी फिर 10 घंटा लेट थ्री थ्रू आउट द जर्नी, तो हम अपने घर ऑलमोस्ट 10-12 घंटा लेट पहुंचे। एंड उसी दिन जो अयोध्या का ओपनिंग था वो मैं अनफॉर्चुनेटली वो भी देख नहीं पाया। तो आप जो जो शहर में रहते हो वहाँ काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन हम ट्रेन में ही बैठ के सारी चीज़ें देख रहे थे। तो भाई ये थी मेरी जर्नी थ्रू आउट द इंडिया ओपन, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन रहा, लेकिन काफ़ी मज़ा आया थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बाकी यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा, टाइम, एनर्जी सब कुछ लगता है ऐसा टाइप का हाई कॉन्टेंट बनाने के लिए। आशा करता हूँ ये व्लॉग टाइप की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड ऐसे ही अगर आप चाहते हो मैं ऐसे टाइप का थोड़ा डालते रहूँ अपने लाइफ टू रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।